हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे नवशास्त्रीतावाद के जो दूसरे प्रमुख कलाकार हैं जिनका नाम है एंग्रे, उनके बारे में। ठीक है, इसके पहले आपने पढ़ा था इसके जो पहले कलाकार थे नवशास्त्रीतावाद के और उसके प्रणेता भी थे नवशास्त्रीतावाद के, जो जाग दाविद, उनके बारे में हमने पढ़ा था। और अब हम पढ़ेंगे एंग्रे के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जो मैंने इसका पश्चिम की कला का जो फर्स्ट पार्ट बनाया है जिसमें मैंने वादों की सीरीज में आपको लिखवाया था, उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। जो प्रभाववाद है उसका टाइमिंग है 1874 से 1886। ठीक है, और मैंने उसमें गलती से 1876 लिख दिया है, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम पढ़ते हैं एंग्रे के बारे में। क्या नाम था इनका पूरा? जॉन ऑगस्ट डोमेनिक एंग्रे, नवशास्त्रीतावाद के दूसरे प्रमुख कलाकार थे। इनका जन्म हुआ था 29 अगस्त 1780 फ्रांस में। ठीक है, और इनकी मृत्यु हुई थी 14 जनवरी 1867 पेरिस में। ठीक है, देखिए जो ये एंग्रे थे, ये जो जाग दाविद थे उनके शिष्य थे, और ये पढ़ने के लिए पेरिस गए थे जाग दाविद के पास, उनके स्टूडियो में। वहाँ से इन्होंने पढ़ाई, अपनी कला शिक्षा प्राप्त की थी उनके सानिध्य में। और ये जाग दाविद और रैफेल के से काफ़ी प्रभावित थे। ठीक है, इनके बहुत बड़े उनके कामों से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहे हैं। और जो एंग्रे थे उनको सर्वश्रेष्ठ रेखा चित्रकार भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि 1805 में रिवेरे परिवार का इन्होंने, पूरी फैमिली का इन्होंने रेखा चित्र बनाया था, जो कि बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ था। और यहीं से इनको सर्वश्रेष्ठ रेखा चित्रकारों में से इनको गिना जाने लगा था। ये जो रिवेरे फैमिली थी, ये नेपोलियन जो वहाँ का राजा था उस समय, उसके वहाँ कार्य भी करते थे। ठीक है, तो इन्हीं 1805 में रिवेरे फैमिली का इन्होंने व्यक्ति चित्र बनाए थे। मतलब हर किसी का अलग अलग लाइफ पोर्ट्रेट बनाया था, रेखा चित्र बनाया था, कलर में भी किया है। और देखिए ये जो रेखा चित्र में इसलिए प्रसिद्ध थे क्योंकि आप चित्र में देख सकते हैं, इनका जो रेखा चित्र होता था अपने आप में एकदम परफेक्ट होता था। ये जो चित्र बनाते थे उसको कलर, इनका मानना था कि जो रेखा चित्र बनाया जाए वो अपने आप में परिपूर्ण होना चाहिए, पूरे तरीके से एकदम फाइनल कर देते थे। हर छाया, प्रकाश और डायमिनेशन दिखाना, सारी चीज़ें एकदम इक्वल बिल्कुल फाइनल कर देते थे, उसके बाद कलर लगाते थे। कलर अगर ना भी लगाया जाए तो भी वो पेंटिंग फाइनल लगती थी देखने में, रफली नहीं करते थे, एकदम फाइनल स्केच करके और उसमें सेटिंग वगैरह ये रेखाओं द्वारा बनाते थे एकदम फाइनल। और एक चित्र के काफ़ी एंगल से चित्र बनाते थे, तो इसलिए इनके इनको सर्वश्रेष्ठ रेखा चित्रकार भी कहा जाता है। देखिए उसके बाद जो है 1820 में इन्होंने एक पेंटिंग बनाई थी, द ओथ ऑफ लुई 13, जो कि फ्लोरेंस में बनाई थी 1820, द ओथ ऑफ लुई। ठीक है, और ये जो इनकी पेंटिंग थी ये रैफेल के कार्य से प्रभावित थी, रैफेल के कार्यों से प्रभावित होकर इन्होंने ये पेंटिंग बनाई थी। और उसके बाद इनका नाम जो है वो श्रेष्ठ कलाकारों की श्रेणी में आने लगा था। ठीक है, और बाकी ये अपने चित्रों में श्रृंगारिक कथानकों का प्रयोग करते थे, पौराणिक भी कुछ चीज़ें जैसे देवदूत वगैरह टाइप का बनाते थे, और अनावृत सुंदरियों का चित्रण भी इन्होंने किया है। और इनकी जो ये इसमें पेंटिंग में अपनी जो अनावृत सुंदरियां बनाते थे वो यूनानी प्रतिमाओं से भी प्रभावित थी। ठीक है, तो ये था इनके बारे में, एंग्रे के बारे में। तो बाकी आप सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें आप देख लीजिएगा, इनका जन्म और इनकी मृत्यु, और क्या सर्वश्रेष्ठ रेखा चित्रकार थे ये, रेखा चित्रकारों के लिए ज्यादा जाने जाते थे रेखा चित्रकार। ठीक है,
तो चलिए अब हम इनकी कुछ इम्पोर्टेंट पेंटिंग है उनके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए इनके कुछ प्रमुख चित्र हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, लिख लीजिएगा कौन कौन से हैं। देखिए पहला तो है नेपोलियन। कब बना था? 1806 में। कहाँ रखा है? पेरिस के म्यूजियम में रखा है, ठीक है, संग्रहालय में। देखिए नेपोलियन राजा थे उस समय और उनका चित्र इन्होंने बनाया है इंग्रेनेस में। और देखिए आप पेंटिंग में देख सकते हैं इनको, इन्होंने एक बहुत शानदार कपड़ों के साथ दिखाया है। और दूसरे शब्दों में अगर कहें तो ये दिव्य शासक के रूप में भी कह सकते हैं, जैसे कोई बहुत दिव्य शासक हो। इनके कपड़ों पर बहुत ज़्यादा इन्होंने ध्यान दिया है, उस तरीके से इन्होंने बनाया है, ठीक है। दूसरा चित्र है वेल्पिकान बादर, ठीक है, ये 1808 में बनी थी। देखिए आप पेंटिंग में देख सकते हैं चित्र को, तो इसमें इंग्रे थे उन्होंने अपने पूरे कैरियर में फ्रांस और इटली में ही इन्होंने अपना समय बिताया है, ठीक है, काम किया है। और रोम में जो है फ्रांसीसी एकेडमी में इन्होंने जो समय अपना बिताया था उस दौरान ये चित्र बनाया था इन्होंने। और यह जो है एक कलात्मकता को अलग तरीके से प्रदर्शित करती है यह पेंटिंग। और यहाँ से कह सकते हैं एक दूसरा रूप शुरू हो गया था कला का इनके पेंटिंग से, ठीक है। और इसमें जो है विदेशी भावना को बहुत ज्यादा दिखाया गया है। और इसमें एक लेडीज बनी है जो पीठ करके बैठी है और उसका चेहरा छिपा हुआ है, बाकी उसका पीछे का पूरा शरीर दिखता है और चेहरा छुपा है, जिससे जो भी उस पेंटिंग को देखता है उसके मन में एक आश्चर्य, एक जानने की इच्छा होती है कि वह कैसी दिखती होगी और उसका वो क्या महसूस कर रही होगी, ठीक है, इस पेंटिंग में। उसके बाद है जुपिटर व थ्रेटिस, ठीक है, 1811 में बनी है यह पेंटिंग। देखिए इस पेंटिंग में दिखाया गया है कि देखिए ये पेंटिंग होमर के इलियड से लिया गया है और इस पेंटिंग में पौराणिक कथा को लेकर इसमें दिखाया गया है, यहाँ पे इन्होंने दिखाया है अपनी पेंटिंग में। तो इसमें जो जुपिटर है वो एक देवता की तरह बैठे हैं और जो थ्रेटिस है वो नीचे बैठा है, नीचे बैठी हुई है। और वह अपना जो उसका एक बेटा है एचिल्स, वो युद्ध करने गया है और वो जुपिटर से उसकी रक्षा के लिए मदद मांगती है। तो उस तरीके से उसके चेहरे पे वो भाव दिखाए गए हैं थ्रेटिस के चेहरे पे, और दर्द और उसका जो घुमावदार शरीर है वो पूरे तरीके से इन्होंने दिखाया है उसके चेहरे की जो भावात्मकता है, ठीक है। उसके बाद है इनकी पेंटिंग है गर्वित रखेल, 1814 में बनी है या लुब्र संग्रहालय में रखी है, ठीक है। देखिए यह जो गर्वित रखेल पेंटिंग है इसमें एक न्यूड स्त्री इसमें भी बनाई गई है। और मैं आपको बता दूं कि इंग्रे जो थे वो नग्न चित्र बनाने के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध थे। और इस पेंटिंग में भी जो इससे पहले बादर पेंटिंग आपने देखी थी उसी तरीके से एक लेडीज़ बनाई गई है इसमें, आप पेंटिंग में देख सकते हैं। और एक स्त्री है जो शानदार कपड़ों पर लेटी हुई है, पीठ की तरफ से ही इसको भी बनाया गया है, लेकिन यह इसका चेहरा भी इसमें देखा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद है देखिए ये जो गर्वित रखेल है इसको इंग्लिश में ला गार्डे ओडालिस भी कहते हैं, ठीक है, ला ग्राडे ओडालिस, कभी कभी एग्जाम में नाम लिख के आ जाता है तो आप ध्यान रखिएगा ओडालिस। उसके बाद है तुर्की हमाम खाना, 1862 में बनी है, 1862 में, ठीक है। इसमें भी आप पेंटिंग में देख सकते हैं टर्किश बात तुर्की हमाम खाना,
इसमें भी बहुत सारी न्यूड स्त्रियां बनाई गई हैं जो कि आपस में कुछ बात कर रही हैं, संगीत सुन रही हैं, सब अपना अपना एक दूसरे को बात करते हुए सुन रही हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें दिखाया गया, चैटिंग टाइप से कह सकते हैं, बहुत सारी स्त्रियां बैठ के कुछ नहा के आई हैं, इस तरीके से इसमें बनाया गया है टर्किश बाथ। ठीक है, उसके बाद है स्वर्ण युग। में ये पेंटिंग बनी है, हार्वर्ड संग्रहालय में रखी है, हार्वर्ड जो कि कैम्ब्रिज में है, कैम्ब्रिज यूएस। ठीक है, इसमें बनी है, इसमें भी कुछ दिव्य तरीके से उड़ते हुए दिखाए गए हैं इसमें स्वर्ण युग में, आप पेंटिंग में देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इनकी कुछ प्रसिद्ध पेंटिंगें हैं, आप लिख लीजिएगा, नेपोलियन, वेल्पिकान, बादर, इसमें से गर्वित रखेल, टर्किश बाथ जो कि तुर्की हमाम खाना के नाम से भी जानी जाती है, ये कुछ इनकी प्रसिद्ध पेंटिंग है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये तो थे इंग्रे, और इंग्रे के बाद अब हम पढ़ेंगे स्वच्छंदतावाद। ठीक है, उसमें इसके आगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी तक के लिए इतना ही, और कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के आप पूछ सकते हैं।